यहाँ पर सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन लिया है, वो ऐड करेंगे पूरी फुल चिकन का बोनलेस आ गया। इसके बाद यहाँ पर तीन मैंने हरी मिर्च ली है छोटी छोटी और एक छोटी प्याज, ये ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेमन जूस है तकरीबन 1 टेबल स्पून, 1 छोटा टुकड़ा इसमें वो डाल देना है मक्खन का, अगर आप मक्खन ही डालना चाहते हैं तो घी डाल दीजिए। यह है लहसुन 1 टेबल स्पून और यह है अदरक का पेस्ट। ओके, लाल मिर्च अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी या फिर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, तेज़ ना हो जाए। गरम मसाला इसमें जा रहा है 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर और गरम मसाला जाएगा 1/2 टेबल स्पून। ओके, एक इसमें जा रहा है अंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशीन में डालूंगी तो उसमें मैं ये धनिया और पुदीना, थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, चाहे तो इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं। मैं अभी इसको डायरेक्ट जो है मशीन में डालकर पीस लूँगी और फिर उसको मैरिनेट करके थोड़ी देर रखेंगे। इस टाइम भी आप मैरिनेट करके रख सकते हैं। ओके जनाब, ये अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, इसको रखते हैं यहाँ पर साइड पर। सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे हरा धनिया पुदीना और इसको पहले मैं थोड़ा सा ग्राइंड कर लेती हूँ। इसमें हम डाल देंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी और साथ ही थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक ब्रेड डालनी है पूरी आपने एक साबुत ना बाइंडिंग के लिए, तो अभी थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ, बाकी इसके साथ भी हम ऐड करेंगे। कीमा यहाँ सारा निकल गया है, नमक डालना मैं भूल गई थी तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसमें नमक ऐड कीजिए, भी ऐड करनी है। ठीक है, चलें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको कवर करके इसको थोड़ी देर हम इसको फ्रिज में रखेंगे। यहाँ पर सारे जो है मैं कबाब बना लिए, देख लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और कुछ कबाब यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर जो है मैंने प्याज हरी मिर्चें और काजू को हल्का सा सौते कर लिया है तेल में। यहाँ ऑयल ऐड करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़्यादा नहीं ऐड करना है बस। ठीक है, इसको फ्राई करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सारे मैंने ना फ्राई कर लिए अच्छे से। वही पैन यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमने प्याज और काजू हरी मिर्चें फ्राई किए थे और यही वाला तेल हम यूज़ करेंगे। इसमें लहमा नहीं, तेल गरम है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। सारा इसमें ऐड कर दिया है पेस्ट, अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे फेस पे तेल आ जाए। थोड़ा थोड़ा मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी। जा रहा है इसमें इलायची पाउडर 2 चुटकी, 1/2 थोड़ी सी काली मिर्चें, गरम मसाला भी 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसमें नमक भी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। अब दही मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से पका लेंगे कि तेल इसका सरफेस पे आ जाए। यहाँ पर मैंने क्रीम ली है, उसको मैंने इससे फेंट लिया है। जब इन कबाब की बारी तो ये ऐड करेंगे हम इसमें। देखें तेल सरफेस पे आने लग गया है, रखवानी पड़ के ऐड करते हैं। आराम आराम से आपने ऐड करना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी। कबाब इसमें ऐड हो गए हैं, अब इसको इस तरीके से आपने हल्के हल्के हाथों से इसमें, अगर आपके पास पैन ज़्यादा बड़ा है ना तो वो भी आप ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, उसमें अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, क्रीम ऐड कर रहे हैं कोफ्तों में। ठीक है, जो मेरे पास दही वाला कटोरा था ना उसी से मैंने मिक्स किया था, इसलिए आपको थोड़ी वाटरी लग रही है। बस इसमें बहुत हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ, बस जब डिश आउट करूँगी तो फिर मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा इसको गर्म कर लूँगी। अभी मैं इसको यूँ ही छोड़ रही हूँ, ये रेडी है। इसको गार्निश करेंगे लहसुन धनिया पुदीने से, जो अभी आप डालना चाहें, अदरक डालना है, हरी मिर्च डालना है। ठीक है जी, तीन हरी मिर्चें अदरक और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, बाकी गार्निश बाद में कर लेंगे। और ये यहाँ मैं याद रख रही हूँ, ये कोयला जल चुका है, नहीं याद रख डाल रही, थोड़ा सा मैं इसमें घी भी डाल रही हूँ। जल्दी जल्दी बंद 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 बंद। धुआं लग चुका है, अब ये मैं उठा करना यहाँ से।